हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए तुरई के छिलके का कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़े का होता है। बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि ये छिलके का बना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी रेसिपी। ले ली 1 किलो मैंने तुरई। अब इसके मोटे मोटे थोड़े से छिलके निकाल लेंगे। छिलके में थोड़ा गूदा होना चाहिए, वाइट पार्ट थोड़ा सा हो। बहुत पतले छिलके हमें नहीं निकालना है, मोटे निकालना है। तरह से ये देखिए सारे छिलके निकाल लिए। तो हम छिलकों को बॉईल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 कप चने की दाल। आप जितना भी बनाए छिलकों का कबाब, आपने 1 पार्ट छिलका लेना है और 2 पार्ट दाल लेनी है। तो 3 लौंग ले ली, 10 से 15 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, नमक, लाल मिर्च आप पाउडर डाल सकते हैं या फिर साबुत, 1 छोटी प्याज, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1/2 कप पानी डाल के हम इसे अच्छी तरीके से गला लेंगे दाल को। तो साबुत मसाले की जगह आप पिसे हुए मसाले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मसाले इसमें अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा ही डालिएगा। तो देखिए दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी रहेगा तो हमें इसका पेस्ट बनाने में दिक्कत होगी। बिल्कुल सूखा हमें कबाब की तरह, जिस तरह कबाब का डो होता है उस तरह से हमें इसे पीसना है। तो दाल ठंडी हो चुकी है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छी खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने धनिया, मिर्चा और जीरे का पाउडर। इनको भून के इनका पाउडर बना के मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया। अब तो अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। तो आधा मैं इसमें से निकाल लूँगी। धनिया की पत्ती थोड़ा सा शामिल करेंगे। तो मैं 2 तरह के कबाब बनाऊंगी, एक अंडों वाला और एक बिना अंडों वाला। तो मैं आधा इसमें से अलग रख लूंगी, जो कि मैं उसमें अंडे नहीं मिलाएंगे, और आधे में मैं अंडे मिला दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। ले लिया 1 अंडा, उसको अच्छी तरीके से फेंट के उसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से सेक लेना, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता, तो ज़्यादा तेल नहीं डालना है वरना कबाब फट जाएंगे। तो ये देखिए अंडों वाले कबाब है, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हमें सेक लेना है दोनों तरफ से। तो देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छी तरीके से लाल हो चुका है हमारा ये कबाब। तो ये देखिए तैयार है हमारे तोरी के छिलकों का कबाब, जो कि अंडों वाला है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं दूसरा बना रही हूँ बिना अंडों का। इसको भी हमें अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, और तेल बिल्कुल भी इसमें नहीं ज़्यादा होना चाहिए वरना कबाब फट जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।